हेलो फैमिली, तो क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। जो आज की जो हमारी टॉपिक है गाइस जी, आपको नेरोलैक प्रगति टोकन जो होते हैं गाइस, उसे हम रिडम कैसे करना है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि इसे रिडम कैसे करते हैं गाइस। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको गाइस टोकन दिखा दूँगी, टोकन होता कैसा है। ये आपको जो फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखता है गाइस, एंड बैक साइड से जो है आपको कुछ इस तरह से दिखता है। तो आप जो है इसको कैसे रिडम कर सकते हैं गाइस, कैसे पॉइंट से जो है पैसे कमा सकते हैं गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो है प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। इसके लिए जो है गाइस आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद जो है गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो सर्च बार में जो है नेरोलैक प्रगति लिख देना है। नेरोलैक प्रगति जैसे ही सर्च करेंगे गाइस तो आपको कुछ इस तरह का ऐप देखने को मिलेगा, जो कि 18 MB का है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। इसे जो है मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा, आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जो आपको ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो गाइस ऐप का फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जो कि आप जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्ट हो उसमें आप जो सेलेक्ट कर लें। इंग्लिश है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी और कौन कौन सा है कुछ समझ से बाहर है। तो इसे कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दी, इंग्लिश सेलेक्ट कर ऑटोमेटिक सेलेक्टेड था गाइस। एंड देन जो स्किप करना है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज वी सेलिब्रेट 100 ईयर ऑफ द कलर एंड केयर, वी थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। इसके बाद जो है गाइस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है गाइस यहाँ पे नेरोलैक प्रगति का जो है अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, तो रजिस्टर कैसे करते हैं गाइस। सबसे नीचे में आपको नोट रजिस्टर करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और वहाँ पे जो है रेड कलर में रजिस्टर हेयर देखने को मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है गाइस आपको यहाँ पे फुल नेम दे देना है, जो कि ऑप्शनल है गाइस। तो आप जो है फुल नेम डाल देना है आपको, जैसे मैंने सब डाल दिया है। एज ग्रुप यहाँ से मैंने 18 से 24 डाल दिया है। मोबाइल नंबर मैंने यहाँ से डाल दिया है। देन जो है गाइस यहाँ पे अपना स्टेट डाल देना है, सिटी डाल देना है आपको, आप जो भी सिटी से ऑप्शनल है। यहाँ पर आप जो भी सिटीज़ हो गाइज अपना सिटी आपको डाल देना है। लाइक मैं हूँ गाइज यहाँ पे आपको मधेपुरा, सहरसा कुछ भी मिल जाए, यहाँ पे सहरसा दिख रहा है एंड मधुबनी मधेपुरा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे जो गाइज मधेपुरा यहाँ पे मैं डाल दूँगा। एंड देन जी यहाँ पे इंटर रेफरल कोड, रेफरल कोड तो अपने पास है नहीं क्योंकि अपने पास जो एक कूपन है गाइज। चलिए यहाँ पर मैं एक्सेप्ट एंड प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करके वेरीफाई मी पर क्लिक कर देता हूँ गाइज। देन जो यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे OTP आएगा, इंटर द 6-डिजिट OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जस्ट मैं वेट कर लेता हूँ। जब तक OTP आ रहा है तब तक अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना और कमेंट भी कर देना। और गाइस मैं बता दूँ, अगर इसमें रिडम करने के बाद अगर कुछ पैसे आते हैं गाइस, तो इसे कैसे बैंक में ट्रांसफ़र करनी है उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको वीडियो बना दूँगा, आप मुझे कमेंट्स कर देना। तो इसलिए मेरे पास OTP आ चुका है, अब मैं OTP देख लेता हूँ क्या है इसका। तो मुझे इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो है मुझे मैसेज चेक कर लेना है। मैसेज के लिए है 440864, तो मुझे इसमें डाल देना है 440864। मैंने डाल के इसे जो है सबमिट कर देना, वेरीफाई पे क्लिक कर देना गाइज। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो है यूज़र नेम, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे डालने को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे गाइज लाइक आपको जो है कोई आईडी बनता है, सेम आईडी की तरह यहाँ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे यूज़र नेम में आप जो भी चाहो आप डाल सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे फिर से मैं अपना वही नाम डाल देता हूँ, एकदम सुनो। एंड है न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पे जो है मुझे पासवर्ड सेलेक्ट करनी है। पासवर्ड में मैं कुछ भी अभी डाल देता हूँ, फिर मैं इसे बाद में चेंज कर लूँगा गाइज। तो फिलहाल के लिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। मीडियम है, ऐसा पासवर्ड बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए मैं पासवर्ड यहाँ पे फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ गाइस। और सबमिट कर देना है पासवर्ड क्रिएट करने के बाद। जो यूजर नेम अवेलेबल है, नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस। यहाँ पे जो है नेम ऑफ योर प्राइमरी स्कूल या नेटिव प्लेस कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं प्राइमरी स्कूल का नाम डाल देता हूँ।
सबमिट कर दिया मैंने, सक्सेस हो गई, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेस कम्प्लीटली। तो गाइज़ ये मेरा जो है आईडी बन चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, इसमें व्हाट्स न्यू इन प्रोफाइल, यू कैन ऐड अपडेट योर एक्सपर्टीज, यू कैन ऐड योर साइट्स इमेज जनरेट प्रोफाइल दैट कैन बी डाउनलोड एंड सेट। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है गाइज। अब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला हो पॉइंट्स अर्न, तो यहाँ पे मेरे पास जो 0 पॉइंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे गाइज आप क्या करने वाला हूँ, स्कैन टोकन का नीचे में ऑप्शन आ रहा है, आप चाहो तो बैक में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे स्कैन टोकन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर देनी है, क्लिक करने के बाद जो है गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद जो है गाइज आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा। देन जो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से कैमरे के पास ले आना है, फाइनली जो है गाइस मेरे पास, फाइनली जो है गाइस यहाँ पे 20 पॉइंट्स जो है मैंने अर्न कर लिया है। एंड देन जो है गाइस यहाँ पे बताया जा रहा है स्कैन नेक्स्ट, तो मेरे पास एक ही था, तो मैं इसे अब नेक्स्ट तो स्कैन कर नहीं सकता हूँ गाइस, तो यहाँ पे नो ऑफर अवेलेबल है, यहाँ पे 20 पॉइंट्स मैंने अर्न कर लिया है गाइस। अब यहाँ पे मोर ऑफर पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्रगति प्रोग्राम्स है एंड ऑल ऑफर्स है गाइस। चलिए मैं अब यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद जो है गाइस मैं यहाँ पे अब देखना है पॉइंट्स कितने अर्न हुए थे, यहाँ पे 20 पॉइंट्स जो है अर्न हो चुके हैं गाइस। अगर मैं 20 पॉइंट्स अर्न हुए हैं तो परचेज 20 PTC एंड ऐप यूजेस अपडेट के वैसे एंड बैंक टेस्ट 2 पॉइंट्स। तो गाइज़ फाइनली मेरा ये हो चुका है। आप इसे जो है कैसे बैंक में ट्रांसफ़र करनी है, अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए गाइज तो आप मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको ये बता दूंगा। फिलहाल आज की जो टॉपिक थी गाइज हमारी, कि ये निरोलैक प्रगति पॉइंट की जो टोकन को जो है स्कैन कैसे करना है, रिडम कैसे करना है गाइज, जो कर चुके हैं अब हमको बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करना है, आपको उस पर चाहिए तो मैं आपको उस पर जो है वीडियो बना दूंगा गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी जो वैल्यू है 20 पॉइंट्स हमें मुझे मिला है, यहाँ पे कम से कम 5000 पॉइंट्स चाहिए, जिसमें कि 1250 रुपये मिलते हैं, 10000 का 2500 मिलते हैं, कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिल जाएगा गाइस, जो कि आपको डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 20 पॉइंट्स जो है इसका तो कुछ होने का है नहीं गाइस। तो चलिए मैं बैक आता हूँ, एंड फिलहाल के लिए मे भी हो सकता था आपको जो है कुछ अच्छा मिल सके, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस भी मिल जाता है अप टू 50,000 रुपीज़ एंड चिल्ड्रेंस स्कॉलरशिप 10,000 रुपये तक मिल जाता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कम से कम अप टू 5 लाख मिल जाता है गाइस। तो ये अपनी अपनी लक पे बात है, तो जो मेरे लक में कुछ था ही नहीं भाई, कहाँ से मिलेगा यार 20 पॉइंट्स मिला, ऐसा कुछ होने का तो है नहीं, लेकिन जो मैंने वीडियो में आपको बताया था कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप अपनी लक ट्राई करो एंड मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर गाइस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नीचे में जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है भाई उसे जोर से दबाना, बड़ा ध्यान से भाई, फ़ोन ना फूट जाए। बाय बाय, लव यू।